हाल ही में जो कुछ कुछ डेवलपमेंट हुए हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं कि एक 18 साल के लड़के के इंस्टीट्यूशनल किलिंग हम जिसको कहेंगे, उसके बाद जब ये खबर बाहर आती है और न्याय की मांग उठाने लगते हैं, सबसे पहले IIT दिल्ली के अंदर स्टूडेंट एक साथ आते हैं, एक मार्च निकालते हैं, जैसे ही खबर निकलती है उसके बाद ही एक मार्च निकाला जाता है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल जवाब होता है तो वो बोलते हैं, पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन एक नोटिस तक नहीं निकालता है इस सुसाइड को लेके। उसके बाद जब आगे बात बढ़ती है तो हम देखते हैं कि सिर्फ IIT प्रशासन ही नहीं लेकिन पूरी सरकार किस तरीके से इस एक केस को दबाने के लिए लग जाती है। तो फरवरी में ये घटना होती है लेकिन उसके एक महीने के बाद IIT बॉम्बे प्रशासन द्वारा एक रिपोर्ट निकाला जाता है जिसमें सुसाइड के अलग अलग कारण बताए जाते हैं। उसमें एक कारण बताया जाता है कि दर्शन अकेले रहता था, अपने रूम पे ज़्यादा रहता था, लोगों से बात नहीं होती थी। दूसरा बताया जाता है कि उसके मार्क्स लगातार गिर रहे थे इसीलिए उसको ये कदम उठाना पड़ा। अलग अलग कदम बताए जा रहे हैं लेकिन जो एक मुद्दा है जिसको लेके बार बार आज दर्शन के परिवार से उनके पिताजी भी हमारे बीच में मौजूद है और तमाम छात्र आंदोलन जो बात को उठाने की कोशिश कर रही है कि क्या हो रहा है इन संस्थाओं में कि हमारे स्टूडेंट्स को एकदम युवा साथियों को अपना जान लेना पड़ रहा है। जो कास्ट इज नॉट अ र्यूमर जो रोहित सेमला मूवमेंट के टाइम से अलग अलग तरीके से आर्टिकुलेट किया जा रहा है, बार बार क्यों प्रशासन उसको दबाने की कोशिश करती है ये तो हम लोग सब जानते ही हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हम लोग आगे चल के देखते हैं कि जो IIT बॉम्बे का जो ये रिपोर्ट आया था जिसमें बताया गया कि कम मार्क्स के वजह से दर्शन ने ये कदम उठाया, उसके कुछ दिन बाद एक दूसरा रिपोर्ट आता है विवेक नाम के एक पत्रिका में जो आप जानते होंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मराठी पत्रिका है। विवेक में एक नया थ्योरी दिया जाता है कि दर्शन का अपने किसी बैचमेट के साथ झगड़ा हुआ था जिसके वजह से उसने ये कदम उठाया और ये कुछ अर्बन नक्सल है जो इसमें बेमतलब की जातिवाद ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, जाति को इस सांगठनिक हत्या के लिए दोषी मान रहे हैं। विवेक का ये जो एडिटोरियल RSS निकाला उसके कुछ दिन बाद वही चीज़ जनसत्ता में भी प्रकाशित हुआ और कुछ दिनों के अंदर हम देखते हैं कि जो मुंबई पुलिस की जो चार्जशीट है उसमें भी यही भाषा बोली जा रही है। उसमें बोला जा रहा है कि दर्शन का एक रूम एक बैचमेट था जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ और दर्शन ने उसको कोई कम्युनल कुछ बोला था जिसके बदले में उसने उसको चाकू से धमकाया और लगातार उसके ऊपर प्रेशर बना के रखा। वो लड़का मुस्लिम था और ये दिखा के बोला जा रहा है कि इसके वजह से दर्शन का डेथ हुआ है। SIT की ये जो भाषा है ये हम लोग बार बार देख रहे हैं कि स्टेट उसको लगातार अलग अलग इंस्टीट्यूशन के माध्यम से बोल रही है। मीडिया भी पुलिस के इस बयान को बिना कोई क्रिटिकली उसको देखे, बिना कोई उसको कॉन्टेक्चुअलाइज किए उसी को इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन हिसाब से हर जगह पे दिखा रही है। और जो ये लड़का था अरमान उसको भी एक महीने के ऊपर जेल में काटना पड़ा है जबकि दर्शन के परिवार वालों उनके उसके दोस्तों का लगातार कहना है कि उसको बेमतलब फंसाया गया है इस केस में। और जो असली मुद्दा है दर्शन की दीदी उसकी मम्मी के साथ लगातार बात होता रहता था तो वो लगातार ये बोलता रहा कि जब से मेरे मार्क्स लोगों को जानने लोग जान पाए, जब से मेरा रैंक पता चला वो भी आज मेरे जाति का एक मार्कर बन गया। और लगातार जब कंप्यूटर लेके अगर कोई दिक्कत होता था तो बोलते थे कि आप रिजर्वेशन पे आए हो इसीलिए आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। लैब में अगर मदद मांगते थे तो बोलते थे कि आप IIT कैसे पहुंच गए। और इस तरीके से एक जो मेंटल हैरेसमेंट का एक पूरा माहौल क्रिएट किया गया, इसको किसी भी तरीके से IIT बॉम्बे एडमिनिस्ट्रेशन हो या महाराष्ट्र पुलिस हो या SIT हो कोई भी इस एंगल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार नहीं है। जो घटना हुआ उसके एक महीने बाद तक FIR तक फाइल नहीं हुआ, एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट ही रख के छोड़ दिया गया और उसके बाद भी
जो इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस कलेक्ट किया गया था, उसके जो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन और भी रूम का अलग अलग एविडेंस था, उसको कानून के अनुसार ये है कि आपको एक टाइमलाइन के अंदर, आप अगर किसी का हार्ड ड्राइव लेते हो तो उसका क्लोन करके आपको लौटाना होता है या बाकी बिलोंगिंग लौटाना होता है। लेकिन आज तक दर्शन के किसी भी एक बिलोंगिंग को महाराष्ट्र पुलिस ने लौटाया नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों महाराष्ट्र पुलिस इस केस में किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को छिपाना चाहती है, क्यों उसमें वो एविडेंस का जो प्रोसीजर है उसी को ठीक से फॉलो नहीं कर रही है, और क्यों पूरा मीडिया और महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस और अलग अलग जो भाजपा के नेता रहे हैं, क्यों इसको बार बार एक दूसरे डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है IIT जैसे इंस्टीट्यूशन में कि उसमें जाति के मुद्दे को लेकर बात नहीं की जा सकती है। IIT बॉम्बे के SC/ST सेल के एक रिपोर्ट के हिसाब से 70% से ज़्यादा स्टूडेंट जिनका सर्वे किया गया है, उन्होंने कहा कि किसी ना किसी टाइम पे या तो मेरे क्लासमेट द्वारा या मेरे फैकल्टी द्वारा किसी तरीके का कास्टिस्ट बिहेवियर ऑब्जर्व किया गया है। ये जो रिपोर्ट किया गया, ये वहाँ के स्टूडेंट मूवमेंट, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तमाम प्रयासों की वजह से ही हो पाया था, और क्लियरली ये एविडेंस हमारे सामने रखता है। दर्शन के इंस्टीट्यूशनल मर्डर के 2 महीने के अंदर IIT मद्रास में 4 अलग अलग सुसाइड हुए हैं, उनमें से जो मेजॉरिटी है वो अप्रेस्ड कास्ट से आते हैं। तो क्या है IIT जैसे इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पे एक तरफ लाखों में फीस होता है, जहाँ पे घुसने के लिए लाखों में लोग एक रेस में लगे रहते हैं, एक बहुत बड़ा प्रेशर के बाद जाके जब वो IIT तक पहुंच पाते हैं, जिसके लिए महंगे महंगे ट्यूशन लिया जाता है, इस सब के बाद भी जब IIT उसमें पहुंच रहे हैं, तब उसमें ऐसे क्या हालात पैदा किए जा रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट को सुसाइड जैसे कदम लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। छात्र आंदोलन ने लगातार कहा है कि ड्रॉप आउट को ड्रॉप आउट नहीं बोलना चाहिए, पुश आउट बोलना चाहिए। तो इस तरीके के सुसाइड को भी हम एक इंडिविजुअल का सुसाइड, सिर्फ उसका अपना मेंटल हेल्थ अपने मार्क्स के साथ जोड़ के अगर ना देखें, उसको एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर के हिसाब से आज देखने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरा इंस्टीट्यूशन लगा हुआ है इस मर्डर को छिपाने के लिए। आज ही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट में इतने 4 महीने बाद इस केस पर हियरिंग हुआ, उसी के लिए दर्शन के पिताजी रमेश भाई सोलंकी आज हमारे बीच में मौजूद हो पाए हैं। आज सुबह ही वो हियरिंग में अपना बयान दर्ज करके आए हैं। तो आज NCST में क्या हुआ उसको लेके सर बताएंगे, और इस केस के अलग अलग जो क्या क्या गुजरा है परिवार पर, दोस्तों पर, ये भी आज हमारे बीच में साझा करेंगे। नमस्ते स्टूडेंट, मैं मेरे दर्शन मेरे लड़के को जब IIT में छोड़ने गया था तब वो इतना खुश था, वो पहले से ही बोल रहा था कि मुझे IIT में ही पढ़ना है। मैंने बोला था कि यहाँ गांधीनगर गुजरात में भी IIT है वहाँ पर, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था कि नहीं मुझे IIT बॉम्बे में ही जाना है। फिर मैंने उसकी बात मान ली, उसको IIT बॉम्बे में जाने के लिए मैं राजी हो गया। फिर उसको छोड़ने गया, वो बहुत राजी था, वहाँ वो अच्छी से पढ़ाई कर रहा था। फिर वो मकर संक्रांति जनवरी में आता है, तब वो बोलता है मेरी लड़की से कि मेरे साथ जातिगत भेदभाव होता है, मेरी भाभी जी से भी बात करता है कि मेरे साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है, और IIT वाले बोल रहे हैं कि यहाँ जातिगत भेदभाव नहीं हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। आज भी हमें NCST में गए तब उन्होंने वही रिपोर्ट दिखाई कि ये देखो इसके मार्क्स कितने कम थे, वो उन्होंने ही मार्क्स निकाल के रख दिए। वो कैसे हमको उसके क्वेश्चन पेपर भी नहीं दिखाए, उन्होंने लिख ही दिया है कि ये इसके मार्क्स है, वो अपने मन से ही लिख दिए। फिर जब मार्च में
वो जनवरी में गया था, मकर संक्रांति में आया, फिर वापस गया, उसकी परीक्षा थी, फिर वो 14 तारीख को वापस आने वाला था, 11 तारीख को उसकी परीक्षा ख़त्म होने वाली थी और 14 तारीख को वो वापस आने वाला था। और 12 तारीख को मेरे से बात करता है कि पिताजी कल मेरी परीक्षा अच्छे से पास होगी, ख़त्म हुई है और मैं 2 दिन बाद आने वाला हूँ। और उसके 1 घंटे बाद ही तुरंत मेरे पे फ़ोन आता है कि दर्शन का एक्सीडेंट होता है। दर्शन तो अहमदाबाद में आने के लिए इतना खुश था, वो बोलता था कि मैं मेरी बुआ से मिलूँगा, मेरे मामा से मिलूँगा, सबको अपने घर पर बुला लेना, सबको मिलना है। और 1 घंटे बाद फोन आता है कि उसका एक्सीडेंट होता है, हुआ है। तो मुझे मानने में नहीं आता कि वो एक आत्महत्या है, उसको किसी ने मार के छोड़ दिया है। क्योंकि 1 घंटे पहले जो मेरे से बात करता है वो अहमदाबाद आने के लिए खुश होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आत्महत्या है। फिर IIT वालों ने हमें बुलाया, हमें बोलते हैं कि जब हम वहाँ पहुँचते हैं तब हमें बोलते हैं कि उसने साथी मंजिल से छलांग लगाई है। फिर दूसरे दिन दोपहर को 3 बजे तक उसकी बॉडी हमको नहीं दिखाते, हमको अगले दिन शाम को बोलते हैं कि उसकी बॉडी को PM किए बगैर आपको दिखाएंगे, फिर आपको बॉडी आप बोलोगे आपकी साइन के बाद आपकी दर्शन की बॉडी को PM करेंगे। उसकी हमारी साइन के बगैर ही PM कर दिया, फिर हमको PM करने के बाद में 4 बजे हमको सौंप दिया। हमने बोला कि ये PM आपने क्यों कर दिया, तो बोले कि टाइम कम था और आप पुलिस स्टेशन गए थे तो हमारा इंतजार क्यों नहीं किया। तो वो टाइम कम था और ये पुलिस डॉक्टर लोगों ने PM कर दिया, बहुत बहाने कर दिए, बहाने बना के हमें PM वाली बॉडी सौंप दिया। फिर हम बॉडी को लेके अहमदाबाद आ गए, उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद में IIT में कुछ APPSC के स्टूडेंट के संगठन है, उन लोगों ने कुछ आवाज़ उठाई कि ये आत्महत्या नहीं है, उसका मर्डर है। उसके बाद IIT के प्रोफेसरों ने एक रिपोर्ट निकाली, वो रिपोर्ट में भी वो बोलते हैं कि वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, लेकिन हमारे मानने में नहीं आता। क्योंकि जो लड़का GK पर एग्ज़ाम दे के पास होके जो IIT में जाता है वो कैसे कमज़ोर हो सकता है पढ़ाई में, वो भी हमारे मानने में नहीं है। वो कोई बाहर के आदमी ने रिपोर्ट बनाई नहीं है, सब अंदर के प्रोफेसर ने ही रिपोर्ट बनाई है, वो भी गलत है। फिर जब हम उसका अंतिम संस्कार कर दिया, उसके बाद में वो स्टूडेंट लोगों ने फिर वो रिपोर्ट निकाली, रिपोर्ट निकालने के बाद में SIT वालों ने कुछ ढंग से जांच ही नहीं कर रहे थे। फिर हमने मंत्रालय में जाके, वहाँ से पुलिस स्टेशन में जाके कमिश्नर को लेटर लिखा, फिर उन्होंने अच्छे तरह से जांच किया और उसके बाद में उन्होंने वो अरमान खत्री नाम का एक लेटर उन्होंने ढूंढा, वो भी हमें नहीं लगता कि दर्शन ने लिखा हुआ है। मेरी लड़की MCA पढ़ रही है, वो इंग्लिश की अच्छी जानकार है, मैं तो थोड़ा कम भी हूँ, उसने भी उसने लिखा हुआ था कि अरमान स्किल्ड मी नोट में लिखा हुआ था इंग्लिश में, तो वो दर्शन ने लिखा हुआ नहीं था, वो जानी ने भी बोला और मैंने भी बोला, क्योंकि वो उससे मैच ही नहीं हो रहा था। फिर भी वो SIT वालों ने कुछ भी गोल गोल घुमा के IIT में से कुछ क्वेश्चन पेपर ले आए, आंसर पेपर ले आए और फिर मेरे से भी कुछ बुक्स मंगवाए अहमदाबाद से, और उसके रूम में से, दर्शन के रूम में से जो भी नोट मिले वो सब मिला के जांच की उसकी। और वो जातिगत भेदभाव इसके साथ हुआ ही नहीं था ऐसा सामने ला रहे हैं, लेकिन वो दर्शन पहले से ही बोल रहा था जानवी से और मेरी भाभी से कि मेरे साथ यहाँ जातिगत भेदभाव हो रहा है।
उससे पहले उदय मीणा नाम का एक स्टूडेंट है आईआईटी बॉम्बे में, उससे भी वो बोल रहा था कि मुझे रूम चेंज करना है। उदय मीणा ने बोला कि क्यों रूम चेंज करना है, क्योंकि वो मेरे जो रूम पार्टनर है वो जनरल कैटेगरी से, उसको पता चल गया है कि मेरा रैंक क्या है, और उसके बाद में वो मेरे से अच्छे से बर्ताव कर नहीं रहे हैं, और हमारे क्लासमेट भी है वो भी मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे। मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ तो वो उसका उत्तर सही से दे नहीं रहे, मुझसे कुछ बातें ही नहीं कर रहे, इसलिए मैं रूम चेंज करना चाहता हूँ। उदय मीणा से ऐसी बात की थी, उदय मीणा का स्टेटमेंट भी एसआईटी वालों ने लिया है, लेकिन वो स्टेटमेंट को लेके कुछ आगे बोलते ही नहीं थे कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वो तो पहले की बात है। अभी ये नई बात आई है कि अरमान खत्री नाम का जो लड़का है उसके साथ उसका झगड़ा हुआ था और उसकी वजह से ही उसने आत्महत्या की है, और अरमान ने उसको चाकू दिखाया था और वो डर गया था और डर के उसने आत्महत्या कर ली है। गुरु दर्शन अरमान से माफ़ी भी मांग रहा था, लेकिन वो उनकी बात भी समझौता हो गया था, लेकिन फिर भी वो छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए इसने ऐसा कदम उठाया, इसने आत्महत्या की है। और आज भी हम एनसीएससी में गए तब भी हमें एसआईटी वालों ने जातिगत भेदभाव उसके साथ हुआ ही नहीं है ऐसा बोला है, और एनसीएससी में भी हमें बोला गया कि इस केस में अब आगे कुछ नहीं हो सकता, चार्जशीट फाइल हो गई है, जब चार्जशीट फाइल नहीं होती तो हम कुछ कर सकते थे, लेकिन चार्जशीट फाइल हो गई है तो अब कुछ नहीं कर सकते, और एसआईटी वालों ने भी बता दिया है कि हम इसके आगे हमें कुछ नहीं मिला है और इतना ही मिला है, और कुछ हम भी नहीं कर सकते, जितना मिला है वो इतना ही है। उसके साथ जातिगत भेदभाव तो हुआ ही नहीं था, दर्शन के साथ जो अरमान की लड़ाई हुई थी वही उसकी मृत्यु का कारण है। एनसीएससी में हम गए मैं और लॉयर, तो लॉयर को भी उन्होंने एनसीएससी में से निकाल दिया कि लॉयर को अलाउड नहीं होता है, लेकिन लॉयर बोलते हैं कि हम भी वहाँ एक दो केस में गए हुए हैं तो हमको तब अलाउड किया था तो अब क्यों अलाउड नहीं कर रहे, तो हमारे लॉयर को भी वहाँ से बाहर निकाल दिया था क्योंकि वो कुछ थे पूछते तो उसका सवाल उनके पास नहीं था, एनसीएससी के पास, फिर एसआईटी के पास और आईआईटी वालों के पास भी, इसलिए उन्होंने लॉयर को आधे घंटे तक बहस करने के बाद भी हमारे लॉयर को अंदर आने से मना कर दिया कि आप अंदर नहीं आ सकते। आज हमारे बीच में जेएनयू टीए से प्रोफेसर डीके लोबियाल है, थैंक यू शौर्या, एम आई ऑडिबल? थैंक यू। सबसे पहले हम रमेश भाई का स्वागत करते हैं, दो स्वागत करने का टाइम नहीं है क्योंकि हम हमारे कैंपस में आए हैं, तो इसलिए हम कैंपस में आपका स्वागत करते हैं, हम आपके साथ सॉलिडरिटी में आपके साथ हैं, जो उनका घटना आपके परिवार को हुई है और आपके साथ ठीक है उसमें आपके साथ है। दोस्तों, बात केवल दर्शन सोलंकी की नहीं है, ये आईआईटी एम्स जितने भी इलेक्ट्रिस इंस्टीट्यूशन हैं इन्हीं में जो मार्जिनलाइज सेक्शन से बच्चे आते हैं उनकी डेथ क्यों, ये बड़ा लार्जर इशू है। अगर आपको याद होगा 2007 में, शायद कुछ आप मुझसे नए होंगे, एम्स में भी एक सुसाइड केस हुआ था, एक में कई होते थे उस समय मनमोहन सिंह सरकार थी और एक फॉरेक कमेटी बनी थी उसको देखने, और उस रिपोर्ट में बड़ा साफ लिखा हुआ है, फॉरेक कमेटी रिपोर्ट में उस समय भी बहुत चर्चा में थी और बहुत डिस्कशन हुआ कि जब कमेटी ने सारे स्टूडेंट से मिले एम्स में, एम्स दिल्ली में है और कैपिटल में है,
और जब कैपिटल में इस तरह की घटनाएं होती तो आप देश के अलग कोनों में सोच सकते हैं क्या हो सकता है। उसमें 72% लोग बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें पूरा क्लास में डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत 72%। 69% स्टूडेंट कह रहे थे 2007 में कि जब हम टीचरों के पास जाते हैं तो दे आर नॉट वेरी रिसेप्टिव, दे डोंट टेक अस द सेम वे दे ट्रीट द अदर स्टूडेंट, जो बाकी स्टूडेंट को ट्रीट करते हैं हमें ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता। 80% से ऊपर के स्टूडेंट ने बोला कि जब भी एग्ज़ाम होते हैं तो हमें कम टाइम मिलता है प्रैक्टिकल वगैरह में और ठीक से हमें इवेल्युएट प्रैक्टिकल में नहीं करते, 82 और 85% स्टूडेंट। अब इस तरह का डेटा जब देखते जाएंगे तो आपको लगेगा कि भाई एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन एलिटिस्ट इंस्टीट्यूशन में है। हर इंस्टीट्यूशन को आप जेएनयू की तरह नहीं देखते, मैं जब जेएनयू की तरह कहता हूँ तो इसको मैं एक बड़े उस ढंग से कहता हूँ कि जितने भी क्लोज सिस्टम है, आईटी सिस्टम इज ए वेरी क्लोज सिस्टम। आप क्लोज सिस्टम का मतलब कि बाहर क्या हो रहा कुछ पता नहीं, वही जो टीचर कहता है। यहाँ पीएचडी स्टूडेंट लड़के भी डिग्री हो सकते हैं, आईटी में एक बार पीएचडी स्टूडेंट को टीचर ने सुपरवाइजर ने कहा नहीं तो नहीं, क्योंकि मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, मुझे आइडिया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बात को। आइदर यू कंप्लीट योर पीएचडी, इफ आई से नो यू हैव टू लीव दिस, यू कैन कंप्लीट योर पीएचडी वंस योर सुपरवाइजर इज नॉट सपोर्टिव एट ऑल, एंड देन थिंक ऑफ द स्टूडेंट दोज हू आर कमिंग फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से बच्चे आते हैं तो उनका क्या हाल होता होगा जब कोई टीचर सपोर्टिव ही नहीं है, और जब सपोर्ट भी हमें इस देश में, बहुत बार हम कहते हैं इस बात को, अब बहुत क्लोजली डेटा को एनालाइज करेंगे किसके साथ किसने पीएचडी की, मैं इस बात को बड़े खुले जेएनयू के मंच से बोल रहा हूँ, आप जरा ध्यान से करिए तो आपको एक टास्क पैटर्न दिख सकता है बहुत बार कौन किसको पीएचडी कर रहा है। आप देखिए इस पैटर्न को, आप जेएनयू में भी देख सकते हैं बहुत बार, मैं जेएनयू को बैठ कर कह रहा हूँ इस बात को, मैं किसी सबको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट पैटर्न बहुत बार साफ साफ दिखते हैं कि कौन किसको पीएचडी करा रहा है। क्या मेरा ये जिम्मा है कि सारे दलित को मैं पीएचडी कराऊँ? बीइंग एसी टीचर डू आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट सबको मैं ही कराऊँ, क्या बाकी लोग नहीं कराएंगे? हम ये कह रहे हैं, इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि ये नहीं है कि सबको पीएचडी कराएंगे, इट्स नॉट कि भाई एक पैटर्न में ही मैं पीएचडी कराऊँ, फिर कोई कहता लोबियाल तो एससी को पीएचडी कराता है, ये यहाँ भी चलता है। भाई बाकी को कौन कराता है? अगर आप कराते तो मैं नहीं कराता, आप करा दीजिए ना, मैं क्यों कराऊँगा, मुझे कोई शौक नहीं, मैं सबको पीएचडी कराऊँगा। तो ये जो पैटर्न है, मैं जेएनयू का जिक्र इसलिए लाया कि यहाँ भी कई बार ऐसे पैटर्न मिलते हैं। तो आप आईआईटी एम्स की बात जब करेंगे तो बहुत सारे पैटर्न हैं वहाँ पर। एक बार मैं 2014 में जब आईआईटी दिल्ली गया था अम्बेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को भाषण दिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, चारों तरफ टीचरों की लाइन लगी हुई थी, वो पूछे थे आप कौन है, कौन आया कौन नहीं आया, कौन भाषण दे रहा है, पूरी रिकॉर्डिंग 2010-11 की बात बता रहा हूँ आपको, पूरी रिकॉर्डिंग होती थी, कौन आ रहा, आप क्यों आए हैं। इवन टू सेलिब्रेट अम्बेडकर जयंती वॉज डिफिकल्ट इन आईआईटी, अभी भी वहाँ नहीं होती ना। एक तो यह है कि भाई आईआईटी के अंदर क्या होता है, ऐसा नहीं कि बहुत बाहर के इंप्रेशन है कि आईआईटी से वेरी फेयर सिस्टम, ऐसा नहीं है। वहाँ पर पहले जो कट ऑफ इंट्रेंस का होता, मेरिटोक्रेसी की बात मैं आपको साफ बता दूँ, वो क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं, इस बात को मैं बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ फिजिक्स के नंबर अलग, केमिस्ट्री के अंदर, मैथ्स के अलग, तो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग कट ऑफ है। मैथ्स का कट ऑफ ये है, फिजिक्स का कट ऑफ इतना है और केमिस्ट्री का कट ऑफ इतना है, आपको सबका कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा भाई। आप वो क्या करते थे, जब अपने वार्ड्स का एडमिशन लेना है तो उनके टीचर आईआईटी के टीचरों के बच्चों का जब एडमिशन होना है तो अपने कट ऑफ को हर सब्जेक्ट के कट ऑफ शिफ्ट कर देते हैं। अगर उनका बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, फिजिक्स में कम हो रहे हैं, तो फिजिक्स का कट ऑफ नीचे कर दीजिए। तो ओवरऑल आपके नंबर सबसे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आप एक में कट ऑफ से नीचे होंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन जिसका ओवरऑल नंबर कम है, कट ऑफ आपने ऐसे करते हैं कि सारे कट ऑफ में पास है तो उसका हो गया। मैं इस बात को इसलिए ला रहा हूँ कि प्रोफेसर राजीव कुमार जो आप कंप्यूटर साइंस में हमारे यहाँ हैं, वो 2015 में कंप्यूटर साइंस में गए थे, आईआईटी खड़गपुर से आए, ही फाइल्ड द केस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो उनके बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो उसने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, केस ये किया कि जो आईआईटी का सिस्टम, एडमिशन का सिस्टम है, जो ग्रेडिंग पैटर्न है, लोग जो कट ऑफ डिसाइड कर रही कमेटी, वो अपने हिसाब से कट ऑफ करेंगे, हाइस्ट मार्क्स वाले का नहीं होता, कम वाले का होता है। आफ्टर दैट आईआईटी सिस्टम इम्प्रूव,
उसको IIT ने कहा कि आप इसको ठीक करिए, दिस इज द पॉइंट इज प्रोफेसर राजीव कुमार है रेस इज ए करेक्ट पॉइंट। सो जो बाहर से दिखता कि IIT सिस्टम बड़ा फेयर सिस्टम है और बड़ा ही मेरिटोक्रेसी की बात करता है, वो एक बिल्कुल बहुत फेक है। अंदर की बात अलग है, बाहर अलग दिखता है, क्योंकि आप एक ऐसा आवरण लेके बैठे हुए हैं अंदर कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं करता कि आप बहुत विद्वान लोग हैं, बड़े हाइट के टीचर हैं, IIT को पढ़ाते हो तो बहुत बड़े लोग हैं, तो नोबडी क्वेश्चंस देम, दैट आल्सो यू मिस। तो इसलिए जो है ना वहाँ बहुत आसानी है। तीसरी बात जो आपने कहा कि भाई डिस्क्रिमिनेशन बहुत बार बहुत साइलेंस तरीके से होता है, जो इस केस में भी है। जब हम दर्शन की बात करते हैं, अगर कोई कहता कि अब एविडेंस लाए तो बहुत बार एविडेंस देना बहुत मुश्किल काम है। आप जब इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, आप रेस्टलर्स को कह रहे हैं कि आप जो है सेक्शुअल हैरेसमेंट के एविडेंस लाइए, कोई छड़ाखा नहीं सबके सामने करेगा, एविडेंस पेश करेंगे आप। तो एक तो मैसेज साफ है कि हम रेस्लर को नहीं बख्श सकते, आप क्या बड़ी चीज़ है। तो आप और अगर आप मार्जिनलाइज हैं तो और कौन सी बड़ी चीज़ हो गए। ये तो बहुत क्लियर कट मैसेज है अभी करेंट डिस्पेंसेशन का। बट जो सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन है, जो साइलेंटली होता है कि आपको हॉस्टल में कोई आपसे बात नहीं कर रहा है और कहीं कुछ है, अच्छा आप कोटे से हैं, ये जो सिस्टमेटिक आपको अकेले में बोला आप कोटे से हैं, भाई है तो क्या हो गया। ठीक है, अगर हमें रिजर्वेशन की पॉलिसी गवर्नमेंट इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में है तो हमें ले रहे हम आ रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है, इसमें होना कोई अपराध है। तो ये जो बट ये IIT में सिस्टमेटिकली बना के सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप देखते हैं, तो मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, रिजर्वेशन है, एडमिशन हो गया, लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या क्या आप गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आप स्टूडेंट को जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आ रहे हैं उनको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ पर उसको कैसे आप इंश्योर करें, क्या मैकेनिज्म आपके अंदर है कि आप उनको इंश्योर करें कि जो सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन उनका हो रहा है उससे बाहर निकल पाए, उसका तरीका क्या है। ये सबसे बड़ा इशू आता है, ये इशू इसलिए आता है कि क्यों नहीं आज तक IIT सिस्टम में फैकल्टी में रिजर्वेशन है, क्यों नहीं हो सकता वहाँ पर, क्या है इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस, क्या चीज़ होती है हमें तो समझ भी नहीं आती है। क्या IIT तो ऐसी चीज़ होगी कि जिसने दुनिया में जो अलग से कुछ क्रिएट कर दिया है और बहुत बड़ी चीज़ होगी और बाकी देश में कोई इंस्टीट्यूट नहीं कर रहा है, ऐसा तो है नहीं। IIT एज नॉर्मल इंस्टीट्यूशन का वाई कांट देयर बी अ रिजर्वेशन पॉलिसी इन टीचिंग अपॉइंटमेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिजर्वेशन पॉलिसी से सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, बट इफ यू हैव पीपल फ्रॉम अ कम्युनिटी then the automatic pressure on the other community who believe in the discrimination gets reduced. हो सकता है मेरी प्रेजेंस भी कहीं पर ये काम कर जाए कि ये बैठे हैं तो हमें नहीं करना। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, आई मे नॉट बी वेरी वोकल एट टाइम, एवरीबडी इज नॉट वेरी वोकल एट टाइम, हर आदमी बहुत वोकल नहीं होता, नहीं बोलता, कुछ लोग बोलते कुछ लोग नहीं बोलते, बट समटाइम्स शेयर प्रेजेंस ऑल्सो वर्क्स इन फेवर ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। तो जब तक एक तो भी जब तक IIT में रिजर्वेशन की पॉलिसी फैकल्टी लेवल पर नहीं आती है, दिस कुड बी वन ऑफ द वे टू गो अहेड, जहाँ हमारे स्टूडेंट को जो मामला सेक्शन से आते हैं एक भरोसा जिसको कहते हैं हम कि भाई इफ एट टाइम समथिंग हैपेंस कैन गो समवेयर एल्स, वी कैन टॉक टू, दैट इज मस्ट। इसके लिए हम लड़े तो कैसे लड़ें, लड़ाई होनी लोग IIT से हमारे मित्र हैं वो अपने लेवल पर लगे रहते हैं, और भी IIT में लोग हैं अभी थोड़ी बहुत हैं लोग कर रहे हैं आपको, बट किस स्तर पर हो सकता है, मूवमेंट कहाँ है असली बात है। जब तक ये प्रेशर ये मूवमेंट नहीं बनेगा कि IIT में भी रिजर्वेशन पॉलिसी फैकल्टी लेवल पर इम्प्लीमेंट हो, तब तक फैकल्टी में कभी भी आप ये महसूस नहीं करेंगे दे हैव सम काइंड ऑफ अ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माइनॉरिटी, जीरो सेंसिटिविटी। हम जाते हैं बात करते हैं कि दे डोंट नो आई कम फ्रॉम दिस सेक्शन, कहते हैं हमारे यहाँ सब प्रॉब्लम तो ठीक है, रिजर्वेशन में बड़ा प्रॉब्लम करता है, दे ओपन से भी मैं IIT दिल्ली वाले हमारे आते ही कई बार, हम भी कई बार जाते हैं, उनको इस पर कोई हेजिटेशन नहीं, दे डोंट नो हो हमारी देन मेक सच ए वेरी स्टूपिड स्टेटमेंट इज कोटा सिस्टम एंड दिस इज कोई लाइफ, इफ दिस इज द व्यूज ऑफ द फैकल्टी कैन यू एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ सेंसिटिविटी टूवर्ड्स मार्जिनलाइजेशन। लो तो एक तो स्टूडेंट के लेवल पर जो हरेसमेंट है स्टूडेंट का होता ही है, हॉस्टल के अंदर होता है बाहर होता है, लेकिन अगर आपको क्लास में जाके भी वही फेस करना पड़ा
कि द टीचर इज नॉट टेक अटेंशन टू बिकॉज ही थिंक्स दैट यू कम फ्रॉम कोटा देयरफॉर यू आर नॉट ए गुड स्टूडेंट. हाउ टू चेंज दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट. दैट मेंटल सेटअप हैज टू बी चेंज दैट नो स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड सेक्शन आर नॉट लेसर देन. मैरिट क्या चीज है कुछ बल्कि क्वेश्चन तक की बात मुझे देखते आया मैंने. अगर आज 50 सीटर 50 अगर 100 सीटर होते अगले 50 में आ जाते उसमें कौन सी बड़ी बात. We have only limited seats, therefore only limited number of seats. So, increase the number of seats, more students will come. If you have already said meritorious, then you will have is this the argument to follow? No. Right? So, this is why I think that government is able to need sensitizing to sensitize the IIT faculty rather than the issue. I am very frankly telling you. Jab tak kahenge ki government level ko hoga jo ki faculty ko sensitize kare, tab tak kaam nahi hoga. See, committees ki baat aati hai. Even if you look at there's a case of faculty harassment in IIT Kanpur 2 years back. Faculty and he was ready to leave IIT Kanpur. Itna harassment ho gaya ki wo chhodne ko taiyar tha. So what to think about the student where the grades, marks, everything in the teacher's hand? Can those students think of doing anything? It's not possible in IIT system because everything is so focused on the faculty, focused that everything is in the hands of the faculty in the IIT system. Therefore, expecting a student to speak much is not possible until unless they get support from outside. Inside movement is not. Amarai a student used to come to me, came to engineering, he had ultimately left IIT Delhi. He could not complete his PhD from IIT Delhi. So much pressure on him that he has to quit. In addition to that, the pressure teachers give, financial pressure alag hai. So the student coming from there also has a financial pressure. So you are dealing with multiple pressures at the same time. That is what the problem is the marginal student coming from SC, ST and other sections. Multiple pressures at the same time and this task discrimination is the worst kind of pressure they need. So what I am trying to say is representation time, if you make SC, ST cell, many IIT cells are not SC, ST cells. How? Why did it take so long to have a SC cell in IIT? Sweetal time. Agar aap bana bhi dein, वहीं के कुछ लोगों को बनाएंगे एंड टीचर्स इवन यू पुट देम देयर अंडर आल्सो प्रेशर इमेंस प्रेशर उनका सर्वाइव करना मुश्किल है. मैंने कहा 2 साल पहले आई थी कानपुर की फैकल्टी छोड़ने पर तैयार था. तो व्हाट इज द वे आउट. आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द सिविल सोसाइटी एज वेल एज द स्टूडेंट एक्टिविस्ट एज वेल द टीचर कमिटी फ्रॉम अदर देयर मस्ट बी अ मॉनिटरिंग कमेटी ऑन आईटी फ्रॉम आउटसाइड. What kind of things are being done with the students coming from marginalized section? With the representatives coming from the marginalized section, there must be over the ragging committee, an anti-ragging committee. There should be anti-caste committee to look into that matter throughout the year in IIT and people from outside IIT. Until that, that is made there, I don't think the students will get relief in IIT system. They are multi. Even if there are some social science department in IIT, they are marginalized. So that they have a leftist stand, you have to tell them that they come from a pattern and they are naturally here, they are here. So even there, the faculty in the social science are marginalized. Even if there is voice at time, they are gone. Now, so Rohit, even I thought Rohit Kamila sir, they jump to IIT, even the university system, how difficult it has become to fight against those task-based systems. So now one is, what are the possible solutions and how to look at that? Second is, at the government level, policy level, we talk all the time from reservation and visa, but we also talk about how to create a conducive environment in the institution once the admission has been made. Until unless that is done, I don't see a great future for students coming from marginalized sections in IIT. Aims and any institution, whatever you call it, institution of excellence, does not have any skills. Take that in mind on the time. So now, देखिए IIT Mumbai की बात जब रश्मि सोलंकी की बात हुई तो how much effort has gone, but what way the things are being manipulated. सब लोग का मीडिया में पढ़ते हैं ना रिपीट and ये जो इसको इस बात का रिजल्ट एक्सप्रेस उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि उसके बाद क्या क्या तरीके से होना but who are there people to do these things. एस आई टी में कौन है कमेटी आप जांच कमेटी बना दीजिए कौन है अब एस एस केस में कौन जांच कमेटी में था क्या हुआ रिपोर्टिंग नहीं आती
So it has become very, very difficult right now. And we are going into a very difficult phase in the system now to fight with the system. And then what we cannot also surrender, we have to challenge, take the challenge and keep on fighting. That's the only way out. But if you keep on fighting, hope that another person, it will not happen. How to insist? और अभी हम लोग सब अपने अपने क्यूबिकल्स में ऐसे फंसे हुए हैं कि ये सरेंडर बाय मल्टीपल चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स इन आवर इंस्टीट्यूशन राइट नाउ. हम अपने चैलेंज फेस कर रहे हैं कि ये अपना कर रही है, यूनियन अपना कर रही है, आपके ग्रुप अपना कर रहे हैं. एंड एवरी वेयर पीपल आर सो मच कंसर्न्ड दैट दे हैव बीन एंगेज्ड इन देयर ओन फाइट, देयरफॉर दे कैन नॉट टेक लार्जर पॉज फॉर द फाइट ऑफ द नेशन. दिस इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच इज बीइंग फॉलोड. आपको आपके काम में उलझाते हैं, उनको वहाँ उलझाते हैं, उनको वहाँ उलझाते हैं कि जनता दीजिए, वन किसी की जनता को ये कर देंगे, कमरा बंद कर देंगे, ताला हटा देंगे, दूसरा कमरा कर देंगे, सो इज आपका ताला लगा देंगे. मैनी इंस्टीट्यूशन टीचर एसोसिएशन कमरेज में जानिया डिस्पैंडल ऑफिस चल गया ए यू हार्डली इलेक्शन आई टी. सो इफ यू कीप देम बिजी इन देयर ओन चैलेंजेस, सो दे नो नेशनल, सो इज दिस दिस इज वेरी हार्ड टाइम. Challenging times, we have to face it. That's what I say. And we, हम आपके साथ हैं और हमारी अगर कोई भी सपोर्ट नहीं होगी स्टूडेंट ग्रुप आपके साथ है, जनता आपके साथ है और हम कभी भी आपके साथ खड़े होकर तैयार हैं. थैंक यू, थैंक यू. हम अभी जून के महीने में घुस रहे हैं. जून वो महीना है जब हम याद करते हैं कि दलित पैंथर्स की स्थापना हुई थी 1972 में. दलित पैंथर्स ने हमको सिखाया था कि कोई भी उत्पीड़ित समुदाय को अधिकार अगर मिलता है तो वो शोषण करने वाले का दान नहीं होता है बल्कि उसको छीना जाता है. तो आज हम अगर दर्शन के केस के साथ खड़े हैं तो हम जो पीड़ा जिसके थ्रू सब उनका परिवार और दोस्त गुजरे हैं उसको तो याद करते हैं, लेकिन जो लगातार संघर्ष जारी है उसको यहाँ से इनकलाब जिंदाबाद पेश करते हैं. अंबेडकर पेरियार फूले स्टडी सर्किल आईआईटी बॉम्बे लगातार ये केस के साथ फॉलोअप किए जा रहा है. लीगल फ्रंट पे भी, ऑर्गेनाइजेशनल मोबिलाइजेशनल फ्रंट पे भी, आईआईटी बॉम्बे के अंदर भी. ये जो SC ST सेल का रिपोर्ट निकाला गया था वो भी उनके तमाम प्रेशर के वजह से ही हो पाया था. ये बात सामने आए कि जो मेंटल हेल्थ सेल है IIT बॉम्बे में, वहाँ पे जब स्टूडेंट जाके अपना कंप्लेंट दर्ज करते हैं तो वो ऐसे काउंसलर का सामना कर रहे हैं जो फेसबुक पे ट्वीट करती है कि कोटा सिस्टम को हटा देना चाहिए IIT बॉम्बे से. तो हम समझ सकते हैं कि किस तरीके का इंस्टीट्यूशन बना हुआ है. लेकिन स्टूडेंट संघर्ष कर रहे हैं, कुछ टीचर संघर्ष कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि ये घटना होने के बाद दर्शन का पूरा परिवार समाज साथ में खड़ा हुआ है और यही पे ताकत है जिसके वजह से ये केस अभी भी हम लोग के बीच में हम आज बात कर पा रहे हैं. 2014 में भी IIT बॉम्बे में भी इसी तरीके का एक घटना हुआ था और लगातार परिवारों के बीच में आज बातचीत हो रही है और एक दूसरे से ताकत भी मिल रही है. तो इस आंदोलन को कैसे एक साझा आंदोलन बनाया जाए जिसमें हम सबकी एक भूमिका है, इसको लेके हमें और आगे सोचने की ज़रूरत है. इसी के साथ मैं बस बता देना चाहूँगा कि एक RTI फाइंडिंग के हिसाब से, जैसे सर बता रहे थे, नेचर मैगजीन के एक RTI फाइंडिंग दिखाता है कि इंडिया के जो टॉप 5 IIT और IISc बैंगलोर है वहाँ का अगर हम लोग डेटा उठा के देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर और उसके ऊपर के लेवल में 98% अपर कास्ट है. मतलब केवल 2%, मतलब इंडिया का जो मेजोरिटी हिस्सा है उसका बस 2% रिप्रेजेंटेशन IIT सिस्टम के अंदर है, टॉप IIT के अंदर है. रिप्रेजेंटेशन की बात दूसरी बात रही. जो प्रोएक्टिव SC ST सेल की बात रही है, दर्शन के केस के बाद लगातार ये जो आंदोलन शुरू हुआ इसके वजह से IIT दिल्ली और गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दो ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एक SC ST सेल का लीगल मैंडेट डिफाइन किया गया और उसमें स्टूडेंट मूवमेंट का एक जीत रहा
कि उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बात है और साथ साथ बात है कि वो बस एक केस हो जाए उसके बाद उसका कंप्लेंट रिकॉर्ड करे, रजिस्टर करे, सिर्फ वहां तक सीमित ना रहे बल्कि प्रोएक्टिवली एक इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करने का कोशिश करे जहां पे इस तरीके का घटना फिर से ना हो, जहां पे जैसे सर बोल रहे थे एंटी कास्ट सेल का काम करे। तो हमारे JNU में भी जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल 2006 के बाद से काम कर रहा है, 2012 में एक UGC का गाइडलाइन बताता है कि कंटिन्यूसली उसको काम एक प्रोएक्टिव सेल की जरूरत है जो एक कास्ट सेंसिटाइज कैंपस एनवायरनमेंट बना सकता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लॉज जो आप अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के वेबसाइट पे जाएंगे है रेमेडियल क्लास करवाना, कि सिर्फ ड्रॉप आउट या सुसाइड तक बात आगे बढ़ने के पहले इस तरीके का क्या स्टेप हो सकता है जिससे क्लासरूम के अंदर एक बार इंस्टीट्यूशन के अंदर पहुंच अगर गए तो उसके बाद भेदभाव फिर से ना झेलना पड़े। तो ये जो संघर्ष है और साथ में सर बता भी रहे थे PhD में जो हर साल नासा कमेटी का रिपोर्ट जो बताता है कि जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन इंटरव्यूज में हुआ है, डिप्रेशन पॉइंट को खत्म कर दिया जाना, 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को 13 पॉइंट रोस्टर से रिप्लेस करने का जो कोशिश किया गया, ये सब लगातार हम अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर देख रहे हैं कैसे सोशल जस्टिस के ऊपर हमला हो रहा है। लेकिन हम इसमें सीखते हैं 2017 के बाद जो पूरे देश भर में भारत बंद हुआ, जब SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट को भाजपा सरकार आने के बाद डाइल्यूट करने की कोशिश की, पूरे देश में भारत बंद हुआ अप्रैल में, जिसके बाद 200 से ऊपर साथियों को जेल जाना पड़ा, 13 साथी शहीद हुए, लेकिन SC/ST एट्रॉसिटी अमेंडमेंट को भाजपा सरकार को पीछे हटाना पड़ा, 200 पॉइंट सिस्टम रोस्टर को भी पीछे हटाना पड़ा। तो इन आंदोलनों से हम अपना ताकत लेते हैं और इस तरीके का एक क्रांतिकारी एंटी कास्ट मूवमेंट आज खड़ा करें जो इन तमाम मुद्दों को एक साथ जोड़ पाए, यही आज हमारी आशा रहेगी। अगर किसी साथी का कोई सवाल है, ये तो एक सॉलिडारिटी मीटिंग है तो उम्मीद रहेगी अगर कुछ सवाल हो या कुछ अगर टिप्पणी हो तो किस तरीके से आंदोलन को भी आगे और मजबूत कर सकते हैं, इसको लेके भी अगर किसी साथी को कुछ जोड़ना है तो अभी पूछ सकते हैं। अभी तक 2% एक बड़ी पर्टिकुलर चीज़ होती है वहाँ पर, जैसे JNU या और यूनिवर्सिटी सिस्टम में कि भारत सरकार ने 100 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की दे दी और 50 एसोसिएट की दे दी या 25 प्रोफेसर की दे दी, तो अगर 100 असिस्टेंट की है तो आपके 22% रिजर्वेशन होगा और 50% और 5% होगी 50% हो गया, अब 50 दिए तो 25 होगा। IIT का वाला सिमिलर सिस्टम हम देखते वहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट देती है ऐसे भी नहीं कि इतने असिस्टेंट इतने एसोसिएट इतने प्रोफेसर नहीं, इतनी फैकल्टी पोजिशन था आपको, हमने 200 फैकल्टी पोजिशन दी थी, या IIT वाले की मर्जी 200 रुपये कितने असिस्टेंट बनाए, कितने एसोसिएट बनाए, कितने प्रोफेसर बनाए। अब सेकेंड इशू क्या था, हम तो असिस्टेंट, अब जब अभी लड़ाई शुरू हुई है गवर्नमेंट इंडिया ने कहा कि भाई IIT वालों को रिजर्वेशन लगाना पड़ेगा, अब उनने नई ट्रीट निकाली कि हम असिस्टेंट पे ही देंगे, अब समय से आप कह दो हम तो 75 प्रोफेसर असिस्टेंट बनाएंगे 25 असिस्टेंट बनाएंगे। तो अनटिल अनलेस यू हैव अ मैकेनिज्म दैट यू हैव फिक्स नंबर ऑफ सीट्स फॉर ईच ग्रुप जैसे यूनिवर्सिटी सिस्टम में होता, फिर मैं इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। 2% तो आप बहुत बता रहे हैं। IIT दिल्ली में 2010 में गया था, मैंने उनसे पूछा कितने थे, एक थे वो भी इतार होंगे दे था, 2010 में जब अमृतसर कोई साउथ इंडिया से लेकर वो भी इतार होगा, कोई फैकल्टी नहीं ऐसी आज की तारीख में, हो सकते हैं एक जो है मैं जानता हूँ बट बहुत ज़्यादा नहीं। अभी कुछ IIT अनबैलमेंट निकाल रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, बट वो नए वाले ज़्यादा निकाल रहे, पुराने वाले स्किल तो, बट हम ये नहीं कह रहे कि ये एक सोल्यूशन है, मैं बार बार इस बात की कहता हूँ, बट इट इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड। अगर सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन होगा देन ओनली पीपल कमिंग फ्रॉम वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी विल फील दैट वी हैव रिप्रेजेंटेशन एंड पीपल आर, वो तो कम से कम होगा ही था, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अगर कोई भी साथी कुछ जोड़ना चाहे या पूछना चाहे,
तो आज फिर हम यहीं पे अपना सभा खत्म करेंगे। उम्मीद रहेगी कि दर्शन सोलंकी के न्याय के मांग के साथ बार बार जेएनयू कम्युनिटी बार बार जुड़ता ही रहेगा। यहाँ पे रमेश भाई सोलंकी मौजूद हैं, उनको भी हम कलेक्टिव की तरफ से और जेएनयू कम्युनिटी की तरफ से ये बताना चाहेंगे कि इस आंदोलन में हम लोग, ये सिर्फ आपका आंदोलन नहीं है, हम सभी का आंदोलन है एक दूसरे तरीके का यूनिवर्सिटी में बनाने का, एक दूसरे तरीके का समाज की कल्पना करने का, जहाँ पे आईआईटी सिर्फ मेरिट और आईआईटी सिर्फ उसका इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस ना हो। एबीपीएससी का एक सुंदर स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रेक डाउन द इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस एंड बिल्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ एम्पथी। तो अगर हम इंजीनियर या साइंटिस्ट बना रहे हैं वो समाज के लिए काम करें, ना कि समाज से अलग हो जाए और समाज के एक छोटे हिस्से के विशेष अधिकार के लिए काम करें। इस तरीके का पीपल साइंस मूवमेंट हम अपने देश में खड़ा करें और स्टूडेंट मूवमेंट लगातार इसमें जुड़ते रहे। इसी के साथ आज का सभा हम ख़त्म करते हैं। रमेश भाई सोलंकी हमारे बीच में आज बात रखे, प्रोफेसर लोबियाल अपना बात रखे, सभी की तरफ से शुक्रिया और सभी साथियों को इंतजार करता हूँ।